my channel Shine with Nancy, and in this video I'm doing no makeup look. And some of you must be thinking, what's no makeup look? So let me tell you, it's a look with makeup, but it doesn't seem that I'm wearing any makeup. This is my no makeup look. Jis kisi ko bhi no makeup look ka idea nahi hai ki kya hai, to main unko bata dun ki ye wo look hai jisme aap makeup zarur karte hain, but itna lagta nahi hai, pata nahi chalta ki aapne makeup kiya hua hai. So ye daily routine mein bhi aap kar sakte hain. So without further ado, let's jump into the video. No makeup look ke liye अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए, स्पेशली जिनकी ड्राई स्किन है. बाद में अप्लाई करेंगे सीसी क्रीम एज अ बेस क्रीम. कोई भी लाइट कवरेज वाली फाउंडेशन आप अप्लाई कर लीजिए. यहाँ पे मैं जॉय की कर रही हूँ, आप कोई और भी कर सकते हैं. आपको अपने इस एरिया को, जो अंडर आई एरिया है और चीक्स का जो एरिया है, इसी को हाईलाइट करना होता है जब आप नो मेकअप लुक कर रहे होते हैं. वो जो आपका चिन का एरिया है, फोर है, बाकी अपने नेक पे आप अप्लाई कर लीजिए. बाकी आपने कहीं पे भी अप्लाई नहीं करना है, ठीक है. आपका जो स्ट्रक्चर है फेस का, वो थोड़ा सा श्रिंक सा लगेगा, थोड़ा स्लिम सा लगेगा, इसलिए ये एरिया पे आपने सिर्फ और सिर्फ सीसी क्रीम अप्लाई की थी. और जो लाइट फाउंडेशन या आप बीबी क्रीम अप्लाई करना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपने ये हाइलाइटेड एरियाज पे लगानी है, सो दैट आपका जो फेस है बिना ज्यादा मेकअप लगाए हुए भी स्लिम लगे, आपको कॉन्टोरिंग करने की जरूरत ना पड़े. इसलिए अपने आईब्रोज की शेप को अच्छे से डिफाइन करें, अच्छे से परफेक्ट शेप ला दीजिए, सो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है. ग्रे और ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल ही यूज करें अपने आईब्रोज को बनाने के लिए, प्रॉपर शेप देने के लिए अपने आईब्रोज की. मैं यहाँ पे ब्राउन कलर का जो मेरे पास जेल काजल है वो अप्लाई करूंगी. ये जो एरिया पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे फिल करने की जरूरत है. और फ्रेंड में हल्का सा ये इसको थोड़ा डिफाइन करने के लिए. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, जो आपकी ये आउटलाइन सी आपने की हुई है, इसे थोड़ा सा और डिफाइन करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर कंसीलर अप्लाई करना है. सो मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का कंसीलर मैं यूज कर रही हूँ. सेम ऊपर भी आपने ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, ब्लेंड कर देना है. फिंगर ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे आपको ये करने के लिए. फिर आप मेरी आईब्रोज की शेप को परफेक्ट लग रही है, आई थिंक सो. इसके बाद हम अप्लाई करेंगे मस्कारा. अप्लाई करने के लिए आप पहले ऊपर से एक स्ट्रोक दे दीजिए, फिर थोड़ा सा इसको पुश करिए अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ थोड़ा इसको, नीचे के आईलैश में भी आप इसे अप्लाई कीजिए. तो मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया है बिना कलर के भी. आप थोड़ा सा अपने आई लैशेज को ऐसे अपने फिंगर से रोल कर सकते हैं. ब्लश नहीं है, इतनी लाइट शेड में बस ब्लश नहीं है, तो मैं अपनी पिंक लिपस्टिक की अप्लाई करूंगी हल्का सा, ज्यादा नहीं करना है आपने, हल्का सा.
बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है लिप्स के लिए। लिप्स के लिए भी मैं यही अप्लाई करूंगी हल्की सी। ये रहा आपका नो मेकअप लुक। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी, अगर आपके पास हाइलाइटर है तो आप यूज कर सकते हैं। मैं ये हाइलाइटर यूज कर रही हूँ लॉरियल पैरिस का, हल्का सा करना है, ज़्यादा नहीं करना, वो भी अपने इधर नोज के पॉइंट पे, जस्ट थोड़ा सा ग्लो ऐड करने के लिए थोड़ा सा। सो दिस इज माई फाइनल लुक। If you like this video, please guys, like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching this video. Thank you guys. Bye-bye.